Prepare your heart for a roller coaster ride called Madhya Pradesh. Welcome delegates to a heart to heart with the heart of India G20 Vasudeva Kutumbakam one earth one family one future Vasudeva Kutumbakam Hi everybody you learn a lot you learn a lot by being silent today is 14th of February 2023 let us have a quick discussion of all these important topics see अवेयरनेस ऑफ ब्लैजिंग्स काउंट योर ब्लैजिंग्स एंटाइटलमेंट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इज नॉट गुड वी शुड हैव सर्टिन ग्रेटिट्यूड यू नो बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव वाइल यू परस्यू योर गोल्स इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव वॉट मेक्स यू थिंक यू वुड बी हैप्पी विद मोर स्टडीफुल थॉटल सो दिस इज टेस्ट सीरीज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कोर्स और ये प्रिलम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कोर्स है यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ रुपीज डबल वन डबल वन आज लाइव क्लास होगा टेस्ट सीरीज़ का एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन अवर आइडिया इज बिफोर राइटिंग दिस ट्वेंटी एट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एग्जाम हमें एटलीस्ट दस हज़ार एम सी क्यूज सॉल्व करने डू दिस और आपका सिलेक्शन होगा ट्वेंटी एट ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को सॉल्व एम सी क्यूज सोल्व एज मैनी एम सी क्यूज एज पॉसिबल सो दिस इज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड दिस इज टेस्ट सीरीज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इसमें वन वीक और लगेगा वन वीक के बाद हम राउंड टू स्टार्ट करेंगे और इसमें इकोनॉमिक्स स्टार्ट होने वाला है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स हम जीरो से अगेन स्टार्ट करेंगे और इसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है बजट आया है ये सारा जो थियोरेटिकल पार्ट है ये सारा अभी हम सेकेंड राउंड में कवर करने वाले हैं और करंट अफेयर्स भी इसमें पूरा कंप्लीट होगा सो दिस इज़ फिल्म टू कोर्स सी ये जो कल्चर होता है ना फ्री का कल्चर स्पेशली एजुकेशन में फ्री इज़ एक्चुअली नॉट फ्री फ्री शुड नॉट बी देयर फ्री इज़ नॉट गुड यू नो स्टूडेंट जो होता है इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट स्टूडेंट एक प्रोडक्ट नहीं होता है स्टूडेंट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट तो द आइडिया इज़ जैसे सृजन इंडिया वन में भी सिंस डे वन वी हैव फॉलो दिस प्रैक्टिस दिस दिस बिलीव दैट द पर्पज़ ऑफ़ एजुकेशन इज़ टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टीज यू हैव नेवर सीन अज कि हम पिगी बैक करें पेगी बैक करें ऑन स्टूडेंट सक्सेस और यूज स्टूडेंट फॉर लाइक प्रमोशन मटेरियल नो डिबेट्स एट्सेट्रा वी हैवन डन दिस सो द पॉइंट इज़ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी शेयर इज़ अ फिड्यूशरी रिलेशन फिड्यूशरी रिलेशन वन टू वन सेशंस में भी जितनी भी हमारी बात होती है दिस इज़ बिटवीन यू एंड आई बिटवीन यू एंड आई ओनली बिटवीन यू एंड आई स्टूडेंट डेटा वी हैव नेवर शेयर ओके वी विल नेवर शेयर सो द पॉइंट इज़ जो जो एक रिलेशन होता है स्टूडेंट एंड टीचर का वो एजुकेशन में होना बहुत जरूरी है ओवर कमर्शलाइजेशन इज दैट नॉट गुड एंड द पॉइंट इज इफ टीचर इज पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स वर्क कराना भी जरूरी होता है सो दैट इज़ वाई फ्री नहीं होना चाहिए बट एक फी होना चाहिए सो दैट इज वाई देर इज अ फी फॉर दीज टू कोर्सेज इन दीज टू आर टू डिफरेंट कोर्सेज तो इन दोनों का फी है दिस इज डबल वन डबल वन एंड दिस इज डबल वन डबल वन दिस इज अ वेरी स्पेशल नंबर सो देर इज अ फिक्स्ड फी फिक्सड फी दिस इज फिक्सड फी वन टाइम फी ओके नाव लेट कम टू द हिंदू न्यूज़ पेपर बिफोर दैट आज का हम टेलीग्राम क्विज भी देखते हैं एवरी डे मॉर्निंग वी आर हैविंग दिस फाइव सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सो इन फाइव एमसीक्यूज को आप डेली बेसिस पे सॉल्व करो आपको बहुत बेनिफिट होगा देन दिस इज प्ररोगेटिव प्ररोगेटिव का मतलब होता है परमाधिकार एंटाइटलमेंट राइट प्रिविलेज अ राइट ऑफ प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास कस्टोडियन आप बताओ जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कस्टोडियन कौन है सो अर्सन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आफ्टर समथिंग संरक्षक फिलिप का मतलब होता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट इंसाइटमेंट ट्रांश का मतलब होता है अंश अ पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी इमपेडिमेंट इम्पेडिमेंट मीन होता है बाधा हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन डूइंग समथिंग सो so, आज के वोकैब वर्ड्स हैं इम्पेडिमेंट ट्रांश फिलिप कस्टोडियन और प्ररोगेटिव इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो अच्छी वोकैबुलरी होना बहुत जरूरी है दिस इज एग्जाम फैक्ट्स नंबर फोर्टीन हाउ मनी जजेस सेट ऑन द बेंच टू हियर द लैंडमार्क केस ऑफ़ केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला इन नाइनटीन सेवनटी थ्री द आंसर इज़ थर्टीन थर्टीन जजेस का बेंच था जिसने लैंडमार्क जजमेंट दिया था केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला इन नाइनटीन सेवनटी थ्री आप बता सकते हो इस थर्टीन में जो वर्डिक्ट आया था उस का नंबर क्या था मतलब हाउ मेनी जजेस थर्टीन जजेस थे तो वर्डिक्ट में स्प्लिट क्या था जजेस के डिसीजन का In India, the power of judicial review is enjoyed by the Supreme Court and the High Court both. A High Court for two or more states and/or union territory may be established by law. It, it, it will be established by law, by parliament. Who is the integral part of the Indian parliament? The answer is the President of India. Who is the chairman of the Rajya Sabha? The answer is vice president. Speaker is elected by the members of the Lok Sabha.

और ये भी बताइए कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है देन फिर प्रेसिडेंट का ड्यूटी कौन निभाएगा अब बिल फॉर द पर्पज ऑफ री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट शेल बी इंट्रोड्यूस्ड इन इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एलिजिबिलिटी एज टेन्यर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होता है पैंतीस साल मिनिमम पैंतीस साल आपका होना चाहिए और पाँच साल का यहाँ पर वी कैन से टर्म तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का टर्म फाइव ईयर्स का होता है तो क्या गवर्नर का भी फाइव ईयर्स होता है आंसर सो दिस दीज आर सर्टन एग्जाम फैक्ट्स ऑफ पॉलिटी सी सेट डेली बेसिस पे आप सोल्व करिए थर्टी टू वीडियो का एक प्लेलिस्ट है प्रैक्टिस टू क्वेश्चन अप्रैल वी आर गोइंग टू कंडक्ट सम स्पेशल क्लासेज फॉर सी सेट ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन फॉर टूडे एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर टू सोल्व दिज टू क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस तो हमें डेली बेसिस पे करना है तो आज का पहला सवाल है प्रिपेयर अट ऑन द वेरियस पिलर्स ऑफ अरबन प्लानिंग सी अर्बन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है स्पेशली कोविड नाइन्टीन के बाद हमने देखा शहर जो हमारे हो रहे हैं वो लिवेबल नहीं रह रहे हैं लाइक मेट्रोपोलिटन में रहना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो गया है एक टास्क हो गया है सो वॉट शुड बी द वेरियस पिलर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग अर्बन प्लानिंग के क्या एस्पेक्ट्स आप सोच सकते हो इसमें आप कुछ इनोवेटिवनेस भी दिखाओ कुछ लेटेस्ट गैजेट्स लेटेस्ट रिपोर्ट्स लेटेस्ट टेक्निक कुछ लेटेस्ट हम जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर वी कैन से रिमोट सेंसिंग से थ्रू कुछ हम देख रहे हैं या फिर इसमें हम सोशो इकोलॉजिकल क्या हो सकता है इकोलॉजिकल इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करो विद इन द सिलेबस अर्बन प्लानिंग दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अटेम्प्ट एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंसिस बिटवीन द हिमालय एंड पेनंसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करो यू कैन सबमिट योर क्वेश्चन टू दिस वेबसाइट सराजन इंडिया डॉट वन नाउ दिस इज सोशल मीडिया अपडेट टू लुक एट दिस ब्यूटिफुल क्लोद ये है वृंदावनी वस्त्र असम में इस रेशम कला की शुरुआत सोलहवीं शताब्दी में हुई इसका श्रेय है श्रीमंत शंकर देव जी को शंकर देव जी को इसमें भगवान कृष्ण और महाभारत से जुड़े कई पहलुओं को वस्त्रों पर चित्रित किया जाता है तो वृंदावनी वस्त्र की शुरुआत महान कवि और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव द्वारा की गई थी तो इसमें कृष्ण जी महाभारत इन सब के चित्रित किए जाते हैं ये लिंगराज टेम्पल है ये भगवान शिव को समर्पित है प्राचीन मंदिर भुवनेश्वर में है उड़ीसा में पत्थरों को काट कर इसका निर्माण किया गया है इस मंदिर में भारतीय वास्तुकला और मूर्ति कला का अद्वितीय उदाहरण देखने को मिलता है तो दिस इज लिंगराज टेंपल टेम्पल इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण में भी है दीवारें बहुत बारीक नक्काशी और मूर्तियों से सजी हुई है आप है अकामा चैरियन फोर्टींथ ऑफ फेब्री सी ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी आप टीचर बाय प्रोफेशन थे गांधी जी ने आपको टाइटल दिया था झांसी की रानी ऑफ ट्रावन कोर सो ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी द झांसी की रानी ऑफ ट्रावन कोर ओके नाउ लुक एट दिस पिक्चर बूझो तो जाने विच फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज द महाकुंभ ऑफ ईस्ट महाकुंभ ऑफ ईस्ट किसको बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल या फिर अम्बूबाची मेला को आप हैं श्यामचरण शुक्ला जी नेशनलिस्ट है डेथ एनिवर्सरी है इंस्पायर्ड बाय द फ्रीडम मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आपने पार्टिसिपेट किया था कैन यू आइडेंटिफाई वेर डिड द डांस फॉर्म ऑफ भरत नाट्यम ओरिजिनेट फ्रॉम केरला तमिलनाडु कर्नाटका और तेलंगाना ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ था टेल देन माइक्रो एन्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या होता है माइक्रो मीनस होता है एक स्मॉल पॉकेट है स्मॉल पॉकेट है फॉर एग्जाम्पल कंडक्टिंग वाटर एंड एनर्जी ऑडिट थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स इन ये माइक्रो एन्वायरमेंट आपका होम हो सकता है कॉलोनी हो सकती है स्कूल्स हो सकता है अब इसको मैनेज करो एवरीबडी अगर अपने माइक्रो मैनेजमेंट करेगा एन्वायरमेंट को मैनेज करेगा तो कलेक्टिवली बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट करें यहां पर जैसे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ई वेस्ट रिसाइकलिंग होम्स कॉलोनीज स्कूल्स में एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल मटेरियल ऑफ फर्नीचर फ्लोरिंग एंड फर्निशिंग में तो दिस इज माइक्रो एनवायरमेंट मैनेजमेंट ग्रीन रिजोल्यूशन फॉर लाइफ है नीड फॉर ग्रीड जैसे बोला है कि नीड का सब कुछ है पर ग्रीड की तो कोई लिमिट नहीं होती सो नीड फॉर ग्रीड अडॉप्ट वन फैमिली वन कार पॉलिसी अक्सर हम स्टेटस सिंबल बना लेते हैं सो मेनी कार्स आर देयर दिस इज़ नॉट दिस इज़ नॉट राइट यू आर लाइक दिट इज़ सच अ बर्डन ऑन दिस एनवायरमेंट रिसोर्सेज वन फैमिली वन कार पॉलिसी इज़ गुड अवॉइड फूड वेस्टेज ड्यूरिंग फंक्शंस मैरिजेस पार्टीज एट्सेट्रा खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए डोंट फॉल फॉर क्लिक बेट बी अवेयर डोंट फॉल फॉर क्लिक बेट शॉपिंग एंड बाय गुड्स अननेसेसरली ये जो कल्चर ऑफ मटेरियलज्म है वी नीड टू बी लिटल बिट केयरफुल कैरी ऑर ओन वाटर बॉटल वेर एवर पॉसिबल जहां भी संभव हो अपनी पानी की बोतल साथ ले जाए से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक चूज लाइफ सो दिस इज लाइफ मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट आज हम जानते हैं बिकॉज आज के दो आर्टिकल है और एडिटोरियल भी है इसमें गवर्नर पोस्ट आज फिर से काफी डिस्कशन हुआ है तो लेट एस ट्राई टू कवर सर्टन एस्पेक्ट सर्टन आर्टिकल ऑफ प्लिटी ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर सी तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है आर्टिकल एक सौ तिरपन है गवर्नर फॉर ईच स्टेट एंड द सेम पर्सन कैन बी द गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट तो ये होता है गवर्नर एक या एक से ज्यादा राज्य का भी गवर्नर एक ही हो सकता है ये उन्नीस के अमेंडमेंट में ऐड हुआ था आर्टिकल 155 है गवर्नर ऑफ अ स्टेट शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट बाय वॉरंट अंडर इज हैंड एंड सील एक सौ छप्पन गवर्नर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंसी क्या लिखा है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉर्मल पांच साल का होता है बट ऐसा कहीं लिखा नहीं है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट सिंस द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द पी एम इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो गवर्नर को अपॉइंट भी किया जाता है और रिमूव भी किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो दैट तो इज वाई एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार गवर्नर को बोला जाता है 157, 158 में क्वालिफिकेशन लिया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और पैंतीस साल उम्र होनी चाहिए कंडीशन ऑफ ऑफिस है शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर एंड मस्ट नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो आपको लाइक विधायक या सांसद नहीं रहना है और आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे अब गवर्नर और राज्य सरकार का जो रिलेशन होता है ये बहुत म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट का होना चाहिए

हंग वर्डिक्ट आता है क्लियर विक्ट्री नहीं है तब भी गवर्नर पहले किसको सरकार बनाने के लिए बुला रहा है वो भी डिस्क्रिशनरी पावर है फंक्शनिंग ऑफ गवर्नर अगर ओवर द पीरियड ऑफ देखें तो कई बार बिहेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नर है उनको एजेंट्स ऑफ द सेंटर कहा गया है और फिर फ्रिक्शन आता है चीफ मिनिस्टर चुनाव लड़के आए गवर्नर को अपॉइंट किया गया है तो दोनों में फ्रिक्शन आता है गवर्नर को पॉलिटिकल अपॉइंटीज बोलते हैं गवर्नर इज आंसरेबल टू नो वन एक्सेप्ट द सेंटर इम्पीचिंग द गवर्नर का कोई प्रोविजन है ही नहीं तो देट इज वाई सरकारियाँ कमीशन आती है और फिर वो बोलती है कि ऐसे पर्सन को गवर्नर बनाए जो थोड़ा डिटेच्ड हो लोकल पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट से एमिनेंट पर्सन नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं कि एटलीस्ट जैसे सिक्स मंथ दें टू एसेंट और रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब देर शुड बी अ टाइम लिमिट ये जो पॉकेट वीटो भी है देर हैजू बी सर्टेन टाइम लिमिट पुंछी कमीशन भी बोलता है कि प्रोसीजर टू तो रिमूव द गवर्नर फ्रॉम ऑफिस में भी कुछ अमेंडमेंट हम लेके आए तो अक्सर जो क्लैशेज होते हैं गवर्नर और लाइक स्टेट गवर्नमेंट में इसको आयरन आउट करने का वी वी ट्राई शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में गवर्नर हैज नो राइट टू तो रिफ्यूज और एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द कॉम मतलब कॉम ने जो बोला है गवर्नर को उसको मानना पड़ेगा यह सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक था बुम्बई वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका में ऑफिस ऑफ गवर्नर मस्ट नॉट बी मिस यूज मिस यूज नहीं होना चाहिए एडवांटेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट नाबम रेबिया वर्सेज डेप्यूटी स्पीकर में डिस्क्रिप्शनरी पावर ऑफ द गवर्नर को लिमिटेड करने की बात थी सो दीज अ क्विक रिविजन फैक्ट्स ऑफ गवर्नर गवर्नर अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज पेपर में टूवर्ड्स द एंड ऑफ विडियो वी विल डिस्कस यूर आंसर सबमिशन टू सो फर्स्ट न्यूज है फॉरेन सेक्रेटरी मीट्स नेपाल प्राइम मिनिस्टर तो फॉरेन सेक्रेटरी री साहब अभी नेपाल गए और नेपाल के प्रधानमंत्री जी से यहाँ पे मुलाकात हुई नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है बायोलेट्रल टाइज नेपाल के साथ फ्रेंडली है बूस्टिंग बायोलेट्रल टाइज ये डिफेंस एक्सपो है एरो इंडिया अ साइन ऑफ कंट्रीज स्ट्रेंथ तो ये बेंगलुरु में हो रहा है इफ़ यू हैव इफ़ यू हैव एक्सेस डू विजिट एरो इंडिया अ साइन ऑफ कंट्रीज स्ट्रेंथ ओवरऑल ओवर टेन यूएस बलून तो अभी चाइना और यूएसए में ये एक वॉर टाइप चल रहा है कि बलून के थ्रू सर्वेलेंस करने का तो अभी यूएसए देन कनाडा में भी एक अन आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट मिला है फ्लाइंग सो द पॉइंट इज ओवर टेन यूएस बलून ट्रेस पास एयर स्पेस चाइना का ये क्लेम है प्राइवेट ट्यूशन हेल्प ब्लंट लर्निंग लॉस रिजल्ट ने यहां पे बताया कि मैथ्स एंड रीडिंग स्किल्स बेहतर हुआ है और बीसीसीआई का मूव है वेन्यू फॉर थर्ड टेस्ट शिफ्टेड टू इंदौर आई सी एच आर नॉट री राइटिंग हिस्ट्री ओनली फिलिंग गैप्स तो आई सी एच आर क्या है दिस इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च आई सी एच आर हिस्ट्री क्या होता है हिस्ट्री होता है कि हम सर्टेन जो इवेंट्स पास्ट में हुआ है उसको हम टेक्निकली एनालिटिकली और फैक्ट बेस्ड इविडेंस बेस्ड उसको देखें और लिखें सो so दैट जो प्रजेंट जनरेशन है आने वाली जनरेशन है उसको अपने इतिहास का एक ज्ञान हो बट द पॉइंट इज़ इतिहास में बहुत सारी चीज़ें अगर मिसिंग है मिसिंग है तो उसको भी ऐड करना है तो आई अभी जो हिस्ट्री में अभी जो चल रहा है वर्क चल रहा है री उसको री नहीं बोल रही है उसको बोल रही है कि जो गैप्स थे हम उसको फिल कर रहे हैं ऑल मेजर पर्सनैलिटीज़ एंड इवेंट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं हम ज़्यादातर देखेंगे गिनती के पाँच दस ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो फोर फ्रंट में थे और हर जगह हम उन्हीं की बात करते हैं बट ऐसा तो होगा नहीं कि फ्रीडम फाइटर्स केवल ये इंपॉर्टेंट फाइव टेन पर्सनैलिटीज भी थी देर आर सो मेनी अन नोन लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी इक्विटेबली इक्वली इंपॉर्टेंट था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में सो द पॉइंट इज वी नीड टू गिव प्रॉपर ड्यू रिकोग्निशन टू देम एज़ वेल आई सी एच आर हेज़ नॉट लॉन्च एनी प्रोजेक्ट टू री राइट इंडियन हिस्ट्री गवर्नमेंट हैज़ नो इंटेंशन टू री राइट हिस्ट्री बट इफ़ यू आस्क मी इफ़ द आई सी एच आर हैज़ टेकन एनी प्रोजेक्ट ऑन हिस्ट्री विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दिस हाउस दैट यस इट हैज़ टेकन प्रधान साहब ने कहा है और द पॉइंट इज़ कि जो मिसिंग नंबर्स हैं मिसिंग पीपल हैं हिस्ट्री में जो गैप्स हैं हम उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मिसिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स हो सकती है पर्सनैलिटीज़ हो सकते हैं इंसिडेंट्स हो सकते हैं

जहाँ से जैसे हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में क्या होता है राज्य में हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं पूरे एरिया को ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज प्राइमरली पॉपुलेशन बेस्ड होती है एडमिनिस्ट्रेटिव भी यहाँ पे एंगल होता है तो इसका रीएडजस्टमेंट हो रहा है इसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चैलेंज जो किया ये वैलिड नहीं है आर्टिकल टू एंड थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल करता है पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट्स तो नए राज्य बना सकते हैं यूनियन टेरेटोरी बना सकते हैं इंडिया इज एन इनडिट्रक्टिबल यूनियन ऑफ़ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स अमेरिका जैसा नहीं है द टू न्यू यूनियन टेरिटरीज जो बनी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख तो यहाँ अभी रोल अज़ाइन किया गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूंसीज में डीलिमिटेशन लेके आओ तो इससे डीलिमिटेशन कमीशन आया जो डीलिमिटेशन एक्ट दो एक हज़ार दो के अंदर आया है इसके अंदर आर्टिकल तीन के अंदर भी प्रोविजंस हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूवेंसीज़ में री एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि जैसे पॉपुलेशन चेंज हो गया या एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ हैं चैलेंजेस हैं तो एफिशिएंसी है रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम री एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम है और डिलिमिटेशन कमीशन का जो काम है इसमें कोई इ नहीं है इ नहीं है ऐसा बेंच ने यहाँ पे बताया ये पिटीशन फाइल हुआ था इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया अब आप बताओ डी कमीशन की जो रिपोर्ट होती है तो क्या वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती है डिलिमिटेशन वर्क जो आया है आंसर दिस इज सेंटर हैज नो ऑब्जेक्शन टू सुप्रीम कोर्ट पैनल सी यहां पर जैसे तुषार मेहता साहब ने कहा अभी हम अगर सेबी पे भी जांच बैठा देंगे तो द तो पॉइंट इज इस क्या इससे ये मैसेज नहीं जाएगा कि हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है हम उस उसपे भी लाइक

वो वोट नहीं कर सकते हैं देन दिस इज रिटेल इन्फ्लेशन राइ इन्फ्लेशन राइज टू सिक्स पॉइंट फाइव टू परसेंट थ्री मंथ हाई पे है स्मृति स्टील्स द शो एट वेमेन्स दिस प्रीमियर लीग ऑप्शन आप बताओ जो वुमेन स्पोर्ट है वुमेन स्पोर्ट है इसको और बेहतर करने के लिए आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज कैन यू सजेस्ट सम इनोवेटिव आइडियाज कि वुमेन स्पोर्ट को हम और कैसे एनकरेज करें एनकरेज करें सस्टेनेबल करें अब देखो यहाँ पर भी इकोनॉमिक इकोनॉमी वर्क करना जरूरी होता है सो so, जैसे ये स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स से क्या होता है यहाँ पे इकॉनॉमी बेहतर होती है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अगेन अ वेलकम मूव कि वुमेन स्पोर्ट और वुमेन प्रीमियर लीग है इसको भी इतना यहाँ पर रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है सो कैन यू सजेस्ट सम इनोवेटिव मेजर्स वुमेन स्पोर्ट इन पर्टिकुलर को और बेहतर करने का बिकॉज पिछले कुछ टाइम पर हमने रेस्लिंग का भी अभी एक फ्यास्को देखा था

ये जोग्राफिकल प्लेसेस है जैसे लेक्स हो गया फॉरेस्ट हो गया इसको कंजर्व करना है तो दे आर कॉल्ड जियो हेरिटेज साइट्स तो इसमें जियो रेलिक्स हैं स्ट्रेटिग्राफिक है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जियोमोफिक लैंडफॉर्म्स है, है नेशनल इंटरनेशनल इंटरेस्ट के तो यहाँ पर मतलब उनकी सेंटिटी को बचाना है तो हम कंस्ट्रक्शन रिपेयर रेनोवेशन नहीं होने देंगे अगर यूनेस्को कन्वेंशन भी है वर्ल्ड कल्चर नेचुरल हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने का तो वो बेहतर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करें ये सब बातें हैं जियोलॉजिकल हेरिटेज बिल में फॉसिल्स सेगिमेंट्री रॉक्स नेचुरल स्ट्रक्चर्स इन सब को कंजर्व करना है तो जियो रेलिक्स बिल है और जियो हेरिटेज साइट्स की बात है इस हंड्रेड मीटर में आप कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे सो दीज ऑल थिंग्स आर मैंशन वेयर तो दिस इज़ जियो साइंस कॉम्यूनिटी सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू अब ये नेक्स्ट पेज है स्काई इज द लिमिट ये त्रिशूल फॉर्मेशन है सू थर्टी एम के आई है इंडियन एयरफोर्स का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है एरो टीम है सूर्य किरण ये अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं एरो इंडिया में दिस दिस बेंगलुरु में इफ़ यू गेट टाइम डू विजिट दिस इज रियली ऑसम एरो इंडिया एक्सपो शो केसेज इंडिया सेल्फ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया बेंगलुरु में 80 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया 800 डिफेंस फर्म्स हैं 100 and 700 है। अभी जो थीम है वो है इंडिजिनाइजेशन करना यू फॉर टाइप इन हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दिस इज रियली रियली गुड स्पेशली हमें जेट इंजन की बहुत जरूरत है जेट इंजन जेट इंजिन्रा यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात है लेटी देन then this is editorial first is honor of office those required to shun partisan politics must not be made governor ab see जैसे अभी क्या हुआ जो रिटायर्ड अक्सर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं तो अक्सर एक ट्रेंड चल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस या रिटायर्ड ऑफिसर्स सीनियर ऑफिसर्स उनको किसी राज्य का गवर्नर एट्सेट्रा अपॉइंट कर दिया जाए तो क्या यहाँ पे क्विड प्रो क्यों तो नहीं है क्विड प्रो क्यों क्या यहाँ पे एक कूल ऑफ पीरियड नहीं होना चाहिए कि आफ्टर रिटायरमेंट एटलीस्ट फॉर वन ईयर यू कैन डू एनीथिंग देन फिर आपको पोस्ट किया जाएगा तो दीज आर अगेन क्वेश्चंस दीज आर क्वेश्चंस तो अस सी इसमें हमें पता होना चाहिए कि गवर्नर की पोस्ट क्या होता है जो हमने शुरुआत के इस वीडियो में देख लिया है ओके okay? बाकी इसमें पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं द गवर्नर वाज टू बी एम्बेलिश्ड बाय द पर्सनालिटीज ऑफ हु वुड ऑक्यूपाई पोस्ट रिटायरमेंट इसको एक पोस्ट रिटायरमेंट एक टूल नहीं बनाना चाहिए तो इससे जो डिग्निटी ऑफ ऑफिस है वो कम होता है सो दिस इज दैट दिस इज नॉट अ पाइप ड्रीम यहाँ पे प्राइमरली बात है जल जीवन मिशन जो स्वच्छ पानी है ये हर किसी का अधिकार है फंक्शनल टैप वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑल हाउस होल्ड्स सो दिस इज जल जीवन मिशन दो हजार चौबीस तक हर घर में हमें नल का साफ पानी पहुँचाना है दिस इज जल जीवन मिशन बजट में इसमें काफ़ी पैसा अभी अलोकेट हुआ है जल शक्ति मिनिस्ट्री भी इसकी काफ़ी सारे टारगेट्स बता रही है परसेंटेज पॉइंट तीन साल में बेहतर हुआ है कुछ राज्यों में हंड्रेड परसेंट कवरेज भी बात है सी ये जितने भी बजट के आप रैंडम वीडियोस मत देखो रैंडम नोट्स मत पढ़ो जो ऑफिशियल सीतारमन मैम का बजट स्पीच है उसको एक बार अच्छे से थ्रू करो प्लस जो समरी है उसको एक बार अच्छे से देखो मल्टीपल टाइम्स देखो उसका प्रिंट आउट निकाल के वो मोर देन सफिशिएंट होगा रैंडम चीज़ों का यूटिलिटी नहीं है अभी एग्जाम पास आएगा देन यू विल रियलाइज कि बहुत रैंडम चीज़ों का कोई यूटिलिटी नहीं है वीडियोज एट्सेट्रा कवर द बेसिक्स बेसिक्स सो द पॉइंट इज पर कैपिटा पानी ज़्यादा हो और टैप कनेक्शन हो विलेज हाउस होल्ड में भी हो टैप वाटर टैप वाटर इनएडिक्वेट है तो वो हम प्रोवाइड करें वहाँ पे है ना तो दीज ऑल थिंग्स आर देर न्यूमेरिकल टारगेट है बॉटम अप स्कीम है ये सेंटर इंश्योर कर रहा है कि ग्रास रूट लेवल पे मैक्सिमम जो हाउसेज हैं वहां पर हमें टैप वाटर प्रोवाइड किया जाए यहाँ पे बात है एक्सपंक्शन एक्सपंक्शन शब्द का मतलब होता है उसको इरेज करना डिलीट करना अब पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा है कुछ मेंबर ने कुछ बातें कही तो क्या जो स्पीकर ऑफ द हाउस है जो चेयरमैन ऑफ द हाउस है वो उन सब बातों को इरेज कर सकता है एक्सपंक कर सकता है दिस इज अ क्वेश्चन तो एक्सपंक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ द स्पीच इज मेड बाय सम अपोजिशन पॉलिटिशियन इन पार्लियामेंट अभी एक डिबेट हो गया है कि क्या स्पीकर उन सारे स्टेटमेंट्स को एक्सपंक्शन कर सकता है इरेज कर सकता है तो ऐसा कोई कस्टमरी प्रैक्टिस ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि हम ऐसा एक कोई मोशन लाए या मोशन ऑफ थैंक्स में हम प्रेसिडेंट का जो मोशन ऑफ थैंक्स है उसमें हम इसको ऑब्जेक्शन लें एट्सट्रा बट द पॉइंट इज कि ये प्रैक्टिस अपनाई जाती है ईच हाउस शेल डिस्कस द मैटर्स कंटेंट इन द एड्रेस कंटेंट इन द एड्रेस जो फर्स्ट सेशन होता है जैसे अभी बजट सेशन स्टार्ट हुआ तो इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया था फिर एक मोशन ऑफ थैंक्स भी आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइमरली वो सब बातें बताते हैं जो सरकार का एजेंडा होता है फिर मोशन ऑफ थैंक्स आता है मोशन ऑफ थैंक्स होता है प्रेसिडेंट साहब के लिए इसको पास कराना भी जरूरी होता है कई बार इसमें अमेंडमेंट भी हो जाते हैं कुछ वर्ड्स चेंज भी हो जाते हैं सो द पॉइंट इज कि ये डिस्कशन इज करेक्ट बट अगर 105 में जैसा लिखा हुआ है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच है हाउस में वो अपनी बात रख सकता है और जो भी बात हाउस में रखा है उसको इम्यूनिटी भी मिला है कि कोर्ट या कोई दूसरी बॉडी उसमें इंटरफियर नहीं करेगी इंटरफेरेंस नहीं होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच है 105 के अंदर अब एक्सपंक्शन में जो हाउस मेंबर ने जो बात कहा अगर हम उसको एक्सपंक्शन कर देंगे तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट नहीं चला जाएगा तीन सौ अस्सी रूल प्रोसीजर है रूल दो सौ इकसठ भी है और इसमें लिखा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्सपंज कर सकता है इरेज कर सकता है जैसे कुछ शब्द है किसी सांसद ने बोले जो डीफेमेट्री है अन पार्लियामेंट्री है अनडिग्निफाइड है इनडिसेंट है तो जो चेयरमैन स्पीकर ऑफ द हाउस है वो उन शब्दों को इरेज कर देगा तो इसको एक्सपंक्शन बोलते हैं अब इसमें यह बात है एक्सपंक्शन एज अ टूल नहीं होना चाहिए टू साइलेंट टू मेक दिस पार्लियामेंट्री डिबेट को साइलेंट करने के लिए वो एक एज अ टूल नहीं होना चाहिए बिकॉज 105 में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है अब इसमें पॉलिटिकल पॉइंट है एलिजेशन है एट्सेट्रा इशूज़ ऑफ डिफेमेशन भी आ जाता है कि लाइक सेक्शन फोर है आई का एनी स्टेटमेंट रेस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट डिस्चार्ज ड्यूटी पब्लिक फंक्शन और इज कैरेक्टर इज नॉट डिफेमेशन डिफेमेशन अक्सर मिस यूज भी होता है अगर आपने कोई स्टेटमेंट बोला जो पब्लिक सर्वेंट के वर्क से रिलेटेड है कि वो वर्क नहीं कर रहे हैं दिस एंड दैट तो दिस इज़ नॉट डिफेमेशन ऐसा भी यहाँ पर बताया था सो द पॉइंट इज़ की फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए एट द सेम टाइम पार्लियामेंट्री जो डिग्निटी है वो भी मैंटेन करना ज़रूरी है दिस आर्टिकल इज़ अगेन रियली रियली गुड कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पर इनफेक्ट ये कलेक्शन आर्टिकल है कि हमको अर्बन प्लानिंग क्यों करनी चाहिए अभी जोशीमठ का केस देखिए उत्तराखंड में आप मसूरी का केस देखिए जम्मू एंड कश्मीर में देखिए जो हिमालयन शहर हैं स्पेशली यहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है ने, नेचुरल इम्बेलेंस ज़्यादा हो गया है पानी नहीं है और जैसे जोशीमठ में भूस्खलन होने के भी चांसेस दिख रहे हैं ग्राउंड वाटर ड्राई अप हो रहा है और जोशी मठ में जैसे हमने देखा तो तो पॉइंट इज़ हमें अर्बन प्लानिंग करना ज़रूरी है लार्ज स्केल यूज़ ऑफ सोक पिट मैकेजम कोड एग्जर्बेट लैंड सिंकिंग जैसे यहाँ पे लाइक हम ड्रिल्स भी कर रहे हैं या फिर हम वाटर रिजर्व बना रहे हैं डैम्स बना रहे हैं तो इससे लैंड सिंकिंग एक बहुत स्पीडी स्पीडी फिनोमिन हो गया है जैसे तपोवन विष्णुगढ़ डैम है हेलॉग मारवारी बाईपास रोड है इसने सिचुएशन को और वर्जन कर दिया बिकॉज हिमालय इज़ ऑलरेडी अ वेरी डेलीकेट डेलीकेट सिस्टम डेलीकेट इको हिली अर्बन इंडिया में प्रॉब्लम ये है पॉपुलेशन बढ़ गई है तो देखो लैंडस्लाइड स्लाइड सिक्किम वेस्ट बंगाल उत्तराखंड हर जगह दिख रहा है अर्बन पॉलिसी ने जो हमारी है अनकंट्रोल्ड इसने सिचुएशन और वर्जन कर दिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बोलता है कि कंस्ट्रक्शन इस लैंडस्केप में जैसे हो रहा है हम बाई लेंस बना रहे हैं लोकल जियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं टनल्स बना रहे हैं उसमें ब्लास्ट करके टनल्स बना रहे हैं इससे सॉइल का जो स्ट्रेंथ है वो वीकन होता है वेस्टर्न घाट्स में भी देखिए अगर हम इनस्टेबिलिटी का ध्यान नहीं रखें तो आजकल वेस्टर्न घाट में भी बहुत लैंडस्लाइड्स हो रहा है सो द पॉइंट इज वी नीड क्रेडिबल डेटा हमें ई आई ए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है जियोलॉजिकल एस्पेक्ट को हम इग्नोर नहीं करें स्पेशली हिमालयन या फिर हायर एल्टीट्यूड वाले एरियाज में जैसे आइजॉल हुआ मिजोरम हुआ ये सेसेमिक जोन फाइव में है सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस अर्थक्वेक एज वेल अगर बाई द वे अर्थक्वेक आता है तो बहुत डैमेज होगा सो वी नीड टू हैव लाइक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स एज वेल रेगुलेशन हो होजार्डस जो उनको आइडेंटिफाई करें डिजास्टर मिटिगेशन पे ध्यान दें और इसमें इनपुट्स होने चाहिए सिविक सोसाइटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के भी ताकि फीडबैक आए जो जियोलॉजिस्ट हैं एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातों को माने सॉइल सूटेबिलिटी स्लोप स्टेबिलिटी का ध्यान रखें और टाइम टू टाइम इवेलुएशन भी हो पुरानी बिल्डिंग्स हो गई हैं उनको हम लाइक हटाएं जो हेजारडस है एरिया गंगटोक सिक्कम और दिस अमृता विश्व विद्यापीठम हैज हेल्प है। लैंड स्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है सेंसर्स के थ्रू हम रेन इनफिल्ट्रेशन ये सब चीजों को ध्यान में दें फ्लड रिस्क बहुत ज्यादा होता है महाराष्ट्र में हमने देखा डोंबीवली फ्लड रिस्क फ्लड वार्निंग रेसिडेंट स्ट्रैंडेड थे थोड़ी बारिश होती है और पूरा शहर जलमग्न हो जाता है नॉट गुड टाउनशिप में अप्रूवल भी होता है जैसे चेन्नई फ्लड्स में देखा था कि वहाँ पे एक लेक थी और वहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बना दी गई तो ऑब्वियसली वी आर ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ वाटर और वो एरिया थोड़ी से पानी में फ्लडिंग होगा सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ दिस एज वेल मैनग्रूव्स बनाएँ फर्टाइल लैंड बनाएं बिकॉज दे एक्ट एज सोक पिट पानी को एबजॉर्ब कराते हैं और कॉन्क्रिटाइजेशन होता है तो पानी एब्जॉर्ब होता नहीं है मार्श लैंड मैनग्रोव फर्टाइल लैंड इज इम्पॉर्टेंट देन यमना यमुना फ्लड प्लेन को बेहतर करें आई पी सी सी की जो रिपोर्ट है उसने भी बताया है कि अगर सी लेवल बढ़ेगा तो मुंबई कोलकाता जैसे जो शहर हैं ये डूब भी सकते हैं क्लाइमेट चेंज इज अ रियालिटी फ्लड प्रूफिंग करना बहुत ज़रूरी है स्पेशली अर्बन शहरों में ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्जन हो गई है कैनल्स हो ड्रेन्स हो फोकस एरिया होना चाहिए सीवरेज जैसे मुंबई की प्रॉब्लम क्या है स्टॉन्ग वाटर ड्रेन नेटवर्क इज नॉट लाइक केपेबल टू केटर दिस बिग पॉपुलेशन सीवरेज सिस्टम बेटर होना चाहिए नेटवर्क सिस्टम को रिवर्क करें रिवर का जो ओवरफ्लो है उसको चेक करें फ्लड रिजाइलियंट आर्किटेक्चर बनाए कोस्टल फ्लडिंग को दूर करें ब्लू इंफ्रा बनाए ब्लू इंफ्रा गुड वर्ड प्लेसेस दैट एक्ट एज नेचुरल स्पंजेस फॉर एब्जॉर्बिंग सरफेस रन ऑफ पानी तेजी से आ रहा है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इससे फ्लडिंग नहीं होगी सो वी नीड टू वर्क ऑन रेनफॉल पैटर्न इंटेंसिटी चेंज अर्बन अथॉरिटीज को यहां पे वर्क करने की जरूरत है लुक अहेड बेंगलुरु में भी सेम केस है बेंगलुरु भी जलमग्न हो जाता है दिल्ली भी हो जाता है हर शहर का यही हाल है सो द पॉइंट इज अर्बन प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसको हमें मल्टी जनरेशनल होना चाहिए जो प्लानिंग होती है ये काफ़ी दस बीस तीस चालीस साल तक का हमें प्लान करना चाहिए हिल और सिटी अर्बन प्लानिंग कैन नॉट बी एन आफ्टर था वेरी गुड पॉइंट्स आर देअर नोटेड डाउट देन कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ जो शपथ होता है ये एक फॉर्मेलिटी नहीं होता उस शपथ का पालन भी होना चाहिए प्राइवेट ट्यूशंस ने हेल्प किया है स्टेट्स को लर्निंग आउटकम बेहतर करने के लिए यूनिवर्सिटी इज स्टिल फंक्शनिंग विदाउट एनी ए सी एक्रेडिटेशन पावर फाइनेंस दमरथ टू पॉइंट ओ एच ई एल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्लिंग पोस्ट पार्टम डिप्रेशन ये डिप्रेशन ऐसा टॉपिक है ना जिस पर अक्सर हमें बात करने की बहुत ज़रूरत होती है बिकॉज यू नो अगर हम जैसे बीमार है फीवर आ रहा है हमें या फिर कोई इंजुरी हो गई फिजिकल बॉडी में वो विजिबल रहता है वो दिखता है और वो दिखता है तो उसका इलाज भी होता है बट द पॉइंट इज़ वेन एवर इट कम्स टू से डिप्रेशन या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अक्सर स्टूडेंट्स में हैव सीन दिस वन टू वन सेशन में कि द पॉइंट इज़ कि दे आर अंडर सो मच ऑफ स्ट्रेस हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है सोशल मीडिया में जिस तरीके से टॉपर्स एट्सट्रा को ग्लोरीफाई किया जाता है यू नो इससे बाकी स्टूडेंट्स पे कितना प्रेशर आता है दैट इज़ वाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये जो पिगी बैकिंग होती है टॉपर का जो अचीवमेंट है उसको अननेसेसरी ग्लोरीफाई करने की जो कोशिश की जाती है ये गलत है ये साइकोलॉजिकली टॉपर को भी डैमेज कर रहा है जिसका सिलेक्शन हुआ उसमें भी एक बहुत सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और वो बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है दिस इज़ नॉट राइट एंड जो सेकेंड स्टूडेंट्स जो हैं उस पर भी ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है तो ओवर्ट ग्लोरीफिकेशन होता है ना कि हमने सलेक्शन हो गया हम उसको सेलिब्रिटीज़ बना रहे हैं दिस दिस इज़ नॉट राइट दिस इज़ नॉट राइट तो द पॉइंट इज़ स्टूडेंट कम्युनिटी में आज के लिए बहुत देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, डिजिटल एज सो मच ऑफ वर्क प्रेशर एटसेट्रा इसको बात करने की ज़रूरत है इस केस में स्पेशली बात हुआ है पोस्टमार्टम मीन्स आफ्टर डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी बेबी आ गया है अब इसके बाद विमेन ससेप्टेबल टू द कंडीशन देखने को मिला है तो इसमें क्लिनिकल डिप्रेशन के भी सिम्टम्स आए हैं उसको ठीक करना ज़रूरी है और इसमें कोऑपरेशन ज़रूरी होगा और इसमें लाइक एवरीबडीज़ कोऑपरेशन इज़ रिक्वायर्ड तो सी चाइल्ड बर्थ हुआ और इसके बाद वुमेन का जो बॉडी होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं सो मेंटल डिसऑर्डर्स कई बार देखने को मिला है और बॉडी में भी लाइक like डिफिकल्टीज आती है सो द पॉइंट इज़ इसको एड्रेस करना ज़रूरी है साइकोटिक डिप्रेशन देखने को मिलता है और इस चीज़ को मेडिकली भी रिकोगनाइज़ किया गया है अब इसमें ज़रूरी होता है कि फैमिली हजबेंड पेरेंट्स एट्सट्रा वो ख्याल रखें एज अ सोसाइटी हम ख्याल रखें द यूबिक्यूट यूज़ ऑफ द टर्म दिस डिप्रेशन जो है ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस देखने को मिला है जिसमें अक्सर मूड चेंजेस नज़र आते हैं सीवियर साइकोटिक कंडीशन देखने को मिलता है ये चाइल्ड बर्थ एंड दिस जो होता है जिसको अक्सर हम बेबी ब्लूज भी बोलते हैं द पॉइंट इज दिस इज़ अ सीरियस मैटर इंडिया में वैसे भी हम देखें तो आई एम आर एम एम आर के नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है सो द पॉइंट इज़ ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको लाइक डिप्रेशन एन्जाइटी बायपोलर डिसऑर्डर साइकोसिस पर्सनैलिटी ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इन सब चीज़ों को हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है अब सी तो यहाँ पे बताया है कि इसको हम सबसे पहले तो समझे वरना बहुत टाइम तक तो हम इसको एड्रेस ही नहीं करते हैं रिकोगनाइज ही नहीं करते हैं तो द पॉइंट इज़ हम रिकोगनाइज़ करें देन इसका सॉल्यूशन फाइंड करें जैसे एनजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है पूरा सोशल सपोर्ट है डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है इससे डिफिकल्टी आती है प्लस एडवर्स लाइफ इवेंट्स हैं वायलेंस है इनसे भी डिफ़िकल्टी आती है तो द पॉइंट इज़ इसको सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंड करना और इसका लाइक सॉल्यूशन फाइंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कई बार फटी गए लॉस ऑफ लिबिडो एपेटाइट वेट चेंज ये सारी प्रॉब्लम्स हैं सो द पॉइंट इज की वी नीड टू एड्रेस इट एड्रेस इट और इसका स्क्रीनिंग जरूरी है सोल्यूशन जरूरी है और सोल्यूशन फैमिली से ज़्यादा बेहतर सपोर्ट मिले तो इट इज़ लाइक इट रियली हेल्प्स सो सी गिवन दैट मैनी पीपल डोंट विश टू टेक मेडिसिन वाइल ब्रेस्ट फीडिंग पियर सपोर्ट फ्रेंड्स का सपोर्ट काउंसलिंग कॉग्नेटिव बिहेवियल थेरेपी इंटरपर्सनल थेरेपी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन हो जाते हैं इससे हेल्प मिलता है सी से एंड इसके अलावा सेफ इफेक्टिव एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन भी होना चाहिए कंसल्ट ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट गुड एंड रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करें नो सी हम डाइट को ध्यान दें स्पेशल डाइट्स एक्सरसाइज़ करें योगा रहे हम लाइक ट्राई टू स्टे हैप्पी सिवियर डिप्रेशन का चीज होता है दिस इज अगेन अ फैक्ट तो द पॉइंट इज इसको करेक्ट करना जरूरी है और इसमें एज अ सोसाइटी सबका चिप इन करना जरूरी है टू सेव बोथ मदर एंड चाइल्ड ओके देन दिस दिस इज इज सी एक स्केल भी दिया हुआ है एंड दिस इज कॉम्युनिटी एंड दिस इज इंग्लिश तो एक वर्ड होता है ड्वेल और एक होता है लिव ड्वेल लिटररी वर्ड है कि ड्वेलिंग प्लेस क्या है जैसे विहार होते थे बुद्धिज्म में यू नो विहार और लिव मतलब एक ऑर्डिनरी जनरल सेंस में हम लिव बोल सकते हैं सो लिव इन द दर्ड ऑफ रियालिटी डवेल इन द वर्ड ऑफ आइडियाज एंड इमेजिनेशन वी कैन से टू डवेल ऑन अपॉन इसका मतलब है टू राइट और स्पीक एट लेंथ टू राइटिंग में बहुत डिटेल में उसके बारे में बात करना दैट इज ऑन और अपॉन अ वाइल का मीन होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम यू आर टायर्ड रेस्ट अ वाइल दिसल

ग्रामेटिकल एरर होता है ग्रामेटिकल एरर का मतलब होता है कि उसमें ग्रामर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है एरर रिलेटिंग टू ग्रामर है। सो एजुकेशन प्रोनाशिएशन ऑफ दिस एजुकेशन एजुकेशन दिस इज एजुकेशन ओके। देन फेस्टून फेस्टून का मतलब होता है डेकोरेट करना गार्डन डेकोरेशन एक्सेट्रा वर्ड अबाउट पेंडिंग ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट से इज अलॉट मोर नीड्स टू बी डन स्टेट टू रिहेबिलिटेट काठमांडू कंटारा मूवी जीएसटी सी जे आई वॉन्स की जो वर्चुअल कोर्ट टेक्नोलॉजी है ये हम भूले नहीं ऑनलाइन भी रहेगा ऑफलाइन भी रहेगा द फ्यूचर इज हाइब्रिड टेन बलून्स रशिया एंड ट्रक टर्की सऊदी सऊदी अरेबिया टू सेंड इट्स फर्स्ट वुमेन टू स्पेस नाम है रायाना बारनावी सो दिस इज अगेन रियली गुड सऊदी किंगडम में यहाँ पर फर्स्ट वुमेन टू स्पेस अभी ये लॉन्च हो रहा है वंडरफुल ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ा गवर्नमेंट जनरल इंश्योरर का इतना एक्सपोजर है गोल्ड ई टी एफ जी ने इतना लॉजिस्टिक सेंटर में इन्वेस्टमेंट की बात की है और ये है स्पोर्ट्स सो दिस इज टूडेज न्यूज पेपर अब हम आते हैं आंसर सबमिशन में आंसर सबमिशन में तो ये 8th ऑफ तो फरवरी का है लेटेस्ट अस हैव अ क्विक डिस्कशन पहला सवाल बहुत आसान था पॉजिटिव नेगेटिव एसोसिएशन बताना था स्पीशीज में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लाइक दैट दूसरा था मास नेशनलिज्म जो आया इंडिया में एक फेज इसके बारे में हम बात करें सो लेट अस डिस्कस इट लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट सो अगेन सौरभ इज रियली गुड रियली क्विक एंड राइटिंग ऑसम आंसर्स सी पॉजिटिव नेगेटिव एसोसिएशन ये होता है कमेंसलिज्म म्यूचुअलिज्मिज्म प्रेडेशन क्या होता है पैरासाइट क्या होता है कॉम्पिटिशन क्या होता है हमें क्या करना था इनके बारे में जानना था एक दो एग्जाम्पल्स याद रखने थे जैसे देखो एग्जाम्पल्स दिए है ना दीज आर रियली गुड इससे क्या होता है आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए और ये चीज़ आपको रियल एग्जाम में रियल एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा

जो स्ट्रक्चरिंग है वो बहुत अच्छी है पॉजिटिव नेगेटिव बताया एग्जाम्पल्स भी बताए ये एग्जाम्पल्स हमें याद रहने चाहिए सी कोरल रीवस कमेंसलिज्म फिर नेगेटिव बता दिया सो दिस इज रियली गुड दिस टेल्स की हम सिस्टमेटिकली कैटेगराइज करें चीज़ों को वेरी नाइस कॉम्पिटिशन प्रेडिशन एग्जाम्पल्स प्रेजेंट कंसर्न वेरी नाइस रत्ना प्रिया अब देखो ये कितना बढ़िया टैबुलेट किया है यहाँ पे योर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर अगेन रियली रियली गुड रत्ना प्रिया यू आर डूइंग रियली वेल वंडरफुल ये सारे अपने आप बताए वेरी नाइस nice. नंदनी नंदनी आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो देखो कितना अच्छे से पैराग्राफ स्टार्ट किया और और टेबल में इसको समराइज कर दिया और ये पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखे गजानन मराठी में आंसर लिखता है दिस इज रियली गुड फिर यहाँ पे आपने सारे पॉइंट्स बताए तटस्थता वेरी नाइस दिस इज एरा ऑफ मास नेशनलिज्म दिस स्टाइल इज गुड जिस तरीके से हम टाइमलाइन के थ्रू बता रहे हैं वेरी नाइस इंपॉर्टेंट इवेंट्स चीज आपको याद रहेगी बाद में एक क्विक रिवीजन करना है और सारी चीजें याद हो जाएगी दैन जलियावाला बाग मसकर एंड खिलाफत नॉन कोऑपरेशन प्रोटेस्टेंसी एम वेरी नाइस nice, ऑब्जेक्टिव स्वराज पार्टी नेहरू रिपोर्ट वेरी गुड सिविल डिसोबीडियंस गांधी पैक्ट रिजोल्यूशन थर्ड दिस कॉन्फ्रेंस एंड दिस वेरी नाइस योर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है वंडरफुल यू आर डूइंग रियली रियली गुड प्रियंका दिस इज अगेन गुड बहुत टू द पॉइंट सिस्टमेटिक आंसर्स होते हैं वेरी नाइस सी इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम याद करें नंदिनी दिस इज़ गुड मॉन्टेगू चेम्स फॉर रिफॉर्म से हमने स्टार्ट किया वन बाय वन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट फेजिज एग्जीक्यूशन देन लजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव लजिस देन डिफरेंट फेज जलिया वाला बाग तो दिस इज मास नेशनलिज्म ये पूरा फेज हमें जर्नी ट्रेस करना था वेरी नाइस nice. और एग्जाम्पल्स भी लिखने वेरी गुड आलिया दिस इज रियली गुड सी बायोलॉजिकल इंटरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव बताया आपने वेरी नाइस फिर अमेंसलिजम एंड ऑल वेरी गुड एक टेबल भी बनाई है नेहा दिस इज गुड इंटरेक्शन बताया और विद एग्जाम्पल्स हमें एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए आपकी कॉपी बहुत अच्छी होती है नौ सी दिस इज रियली गुड वेरी गुड सी वेरी नाइस शीतल अगेन शीतल बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है राइटिंग इज रियली गुड सी वॉर इकोनॉमिक हार्डशेप सोल्जर्स तो अलग अलग हेडिंग सब हेडिंग इससे कॉपी बहुत सिस्टमैटिक लगती है कोड्स आर गुड देन दिस इज गुड सो पॉइंट इज सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं इसका कोई एक वन पैटर्न नहीं होता आपको एक जनरल गाइडलाइन फॉलो करना है और उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाना है रत्ना प्रिया दिस इज गुड सी डायग्राम मैप इज रियली रियली गुड सी जिस कॉपी में मैप होता है वो ऑटोमेटिकली बेहतर कॉपी होती है सी आपका बहुत अच्छा कॉपी हो गया यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल आई एम सो हैप्पी वंडरफुल देन सुप्रिया सुप्रिया ने भी बहुत अच्छा लिखा है सी दिस इज स्टेबल एग्जाम्पल सी एग्जाम्पल्स होना बहुत ज़रूरी है एग्जाम्पल से हमें उसका एप्लीकेशन पता चलता है वेरी नाइस nice. अब सी धर्मेश ने बहुत अच्छे से एक ही पेज में सब सिस्टमेटिकली यहाँ पे लिखा वेरी नाइस एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है तरन तरन की राइटिंग भी बहुत अच्छी है बायोलॉजिकल इंटरेक्शन पॉजिटिव सी द चार्ट दिस इज गुड प्रेजेंटेशन गुड अब सी एग्जांपल्स वेरी नाइस कॉपी सी पॉलिनेशन दिस कमेंसलिज्म नेगेटिव वेरी गुड कॉपी वेरी गुड कॉपी वंडरफुल राम नरेश इज अगेन वेरी गुड कॉपी बहुत अच्छी होती है टू द पॉइंट है राइटिंग स्टाइल इज रियली रियली गुड वेरी गुड कॉपी वंडरफुल हरजिंदर इज अगेन रियली डूइंग रियली रियली गुड सी दिस टेबल इज रियली नाइस दैन कॉन्क्लूजन एग्जाम्पल्स एड एग्जाम्पल्स मधुरा योर अगेन प्रेजेंटेशन स्किल वेरी नाइस सी ये पूरा स्पीशीज वन फिगर देखो हमें हमेशा ना एक पैटर्न फॉलो करना है वन टू थ्री ए बी सी डी लाइक दैट ओके वेरी नाइस हरजिंदर दिस इज़ गुड राइज ऑफ नेशनलिज्म देन दिस इज सत्याग्रह वेरी नाइस अर्चना आपका कॉपी भी बहुत अच्छा होता है दिस इज़ गुड वेरी नाइस सी एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी होते हैं जब भी जोग्राफी आती है साइंस आती है एनवायरमेंट आता है राइट एग्जाम्पल्स एज मेनी एग्जाम्पल्स इन एज पॉसिबल ड्रॉ डायग्राम्स और उसको प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से देना है हमें ओके सो दिस इज सब दीज आर सबमिशन्स इसी तरीके से इस आगे भी कंटिन्यू करना है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ